नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एक सेक्सुअल काउंसलर हूं। पॉर्न का एडिक्शन बहुत ही कॉमन पाई जाने वाली प्रॉब्लम और सिचुएशंस जो मेल्स आपस में डिस्कस करते हैं लेकिन उसके सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाते। अकॉर्डिंग टू द रिसर्चेस, पूरे वर्ल्ड में 90% से ज्यादा टीनेज और यंग एडल्ट्स पॉर्न को देखते हैं। पॉर्न देखने का एडिक्शन क्या रियल है? क्या ये एडिक्शन होता है या फिर हमारे बच्चे ऑटोमेटिकली उसमें घुसते चले जाते हैं? पॉर्न के एडिक्शन की डिटेल्ड एनालिसिस इस वीडियो में बात करूंगी। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक करें, शेयर करें और बात करते हैं पॉर्न के एडिक्शन के पीछे छुपे राज के बारे में। चलिए, मैं बात कर रही थी पॉर्न का एडिक्शन रियल है, ये कैसे हो जाता है, क्या ये सिर्फ इन्फ्लुएंसिंग है या हमारा दिमाग सच्ची में कब्जा जाता है, पकड़ा जाता है। इसे ऐसे समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे कोई इंसान पहली बार अल्कोहल का सेवन करता है तो उसे अच्छी फीलिंग होने लगती है। धीरे धीरे उसके ब्रेन के स्टिमुलेशन सेल्स काम करना धीरे धीरे मंदे मंदे कम करते हैं, तो उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसकी जो टेंशन्स हैं, वो धीरे 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 कम दिखने लगती हैं। उसे होती हैं लेकिन कम प्रभावित करती हैं, तो उसे इलेशन, अच्छी फीलिंग आने लगती है। लेकिन अगली बार जब वो सिमिलर डोज का अल्कोहल लेता है तो उसे वो सेम फीलिंग नहीं आती, तो अब उसे क्या करना पड़ता है, एक पैक की जगह और उसे इंक्रीज करना पड़ता है और वो धीरे धीरे उस पर्टिकुलर गुड फीलिंग तक पहुंचने के लिए अल्कोहल के एडिक्शन में चला जाता है, मदिरा के वशीभूत हो जाता है। ऐसे ही सिमिलर प्रॉब्लम पैदा होती है जब कोई पॉर्न को देखता है। जब आप पहली बार पॉर्न देखते हैं, जब आपकी उम्र कुछ 15 से 17, 16 साल की होती है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, तो हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, हमें एक अच्छी फीलिंग होती है, क्योंकि जैसे ही आप पॉर्न देखेंगे थोड़ा सा डर, थोड़ा सा अच्छी फीलिंग हार्मोन निकला आपकी बॉडी में से, तो आप शायद मास्टरबेट करेंगे, तो उस बारे में बात करेंगे, तो एक इंटरेस्ट के साथ आप उसे देख रहे हैं। एक बार देखा, दो बार देखा, चुपके देखा, अब धीरे धीरे क्या होगा कि आपको वही सेम पॉर्न इंटरेस्ट नहीं करेगी। अब आपको अगली बार किसी और कैटेगरी की या उससे ज्यादा रफ पॉर्न देखनी पड़ेगी। जैसे पहली बार आपने नॉर्मल पॉर्न देखा है, इसके बाद आप उसको एशियन कैटेगरी में देखेंगे और दूसरी कैटेगरीज में देखेंगे, ताकि धीरे धीरे आपको वो फीलिंग दोबारा से आनी शुरू हो जाए। वो पहले जहां एक पॉर्न से आती थी, अब आप मल्टीपल पॉर्न्स देख रहे हैं, मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ पॉर्न देख रहे हैं, ताकि आपको वो सेम फीलिंग आने लगे। मैंने इस तरह के यूथ भी देखे हैं, इस तरह के मिलेनियल्स भी देखे हैं, जो एक पॉर्न वीडियो को सर्च करने के लिए आधा पौना घंटा लगाते हैं, ताकि उन्हें वो पर्टिकुलर वीडियो मिले जो उन्हें किक दे सके। और इसी का हम नाम ये लेते हैं एडिक्शन, एक पर्टिकुलर एंडोर्फिन्स रिलीज करना जो हमें सिर्फ हैप्पीनेस देगा या हमें अपने स्ट्रेस से दूर रखेगा, हम पॉर्न के एडिक्शन में घुसते चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पहली वीडियो एंजॉय करते हैं जो उन्हें दिखता है, धीरे धीरे हम इस स्टेज तक पहुंच जाते हैं कि हमें ढूंढ ढूंढ के वो पर्टिकुलर पॉर्न निकालना पड़ता है, और यहाँ से एडिक्शन का फेज शुरू होता है, यहाँ से मास्टरबेशंस शुरू होती हैं। आप एक बार जितनी जल्दी कर पा रहे थे, अब ज़्यादा समय लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, आपको इलेशन का फीलिंग नहीं आ रहा है, और फिर धीरे 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 आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। और आप भी अगर ये पॉर्न बहुत ज़्यादा विजुअलाइज करने के कारण मास्टरबेशन की अधिकतम हो गई है, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा करने से मेरी बॉडी में वीकनेस आ रही है, मैं बहुत अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाता, मैं बहुत हाँफने लग गया हूँ, टांगों में पेन होने लग गया है, बाल झड़ने लग गए हैं, इस तरह की कोई भी कॉम्प्लिक
कॉम्प्लिकेशन अराइज हुई है तो अभी से रिपेयर का काम शुरू करें। और रिपेयर के लिए ज़रूरी है शिलाजीत को ऐड करें। ये एक ऐसा आयुर्वेदिक हर्ब है जो कि हेल्प करेगा आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने में और रिपेयर को इम्प्रूव करने में। तो पॉन एडिक्शन रियल है, इसमें इंसान डेफिनेटली घुस जाता है। ये वेबसाइट्स नए 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 कंटेंट लाने के लिए कोशिश करती रहती हैं और आदमी उस कंटेंट की चाह में खुद की लाइफ खराब करता जाता है। प्लीज इस एडिक्शन को टाइमली क्योर करें, टाइमली सेक्स थेरेपी लेने की कोशिश करें और खुद के स्ट्रेसेस को दूर कर एक अच्छी नॉर्मल लाइफ में सर्वाइव करें। नहीं तो सेक्सुअल लाइफ, सेक्सुअल फैंटेसीज आपकी नॉर्मल लाइफ को शादी के बाद या बाद में भी बिल्कुल खराब कर देगी। तो आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई होगी। अगर आप यंग हैं, एडल्ट हैं, तो प्लीज इस एडिक्शन को समझें और टाइमली अपना ट्रीटमेंट शुरू कराएं ताकि आप इस एडिक्शन से बाहर आकर अपनी लाइफ को नॉर्मली, हैप्पीली, प्रोडक्टिवली यूज कर सकें। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर आऊंगी कि पॉर्न के एडिक्शन से कैसे छुटकारा पा सकें घर बैठे। तो जुड़े रहें, बने रहें। इस वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, पता नहीं किसे कहाँ जरूरत हो। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को जरूर दिखाएं और सेक्स एजुकेशन के बारे में खुल के बात करें। बने रहें, जुड़े रहें। एक और वीडियो लेकर जल्द हाजिर होती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।